और देहरादून से आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दें हम, सुद्धोवाला स्थित पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में मिला कंकाल। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, सुद्धोवाला स्थित पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में कंकाल मिला है। कंकाल के पास से एक पहचान पत्र भी मिला है, टीरी के मलेथा गांव के राजेश राणा का ये कंकाल बताया जा रहा है। वहीं आपको जानकारी देते हैं कि सितंबर 2019 के महीने में प्रेमनगर थाने में दर्ज हुई थी गुमशुदगी, शिनाख्त के लिए भेजा गया विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर है देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, देहरादून के सुद्धोवाला स्थित पेट्रोल पंप में कंकाल मिला हुआ है। कंकाल के पास से एक पहचान पत्र भी मिला हुआ है और टिहरी के मलेथा गांव के राजेश राणा का कंकाल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में प्रेमनगर में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देहरादून के सुद्धोवाला जगह पर एक झाड़ी में जो नरकंकाल मिला है और गुमशुदगी की बात भी सामने आ रही है कि 2019 में इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, एक बार पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। देखे रहे नो, सुद्धोवाला थाना पुलिस को जो है पेट्रोल पंप के समीप झाड़ियों में एक नरकंकाल मिला है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जो सितंबर 2019 माह में जो प्रेमनगर थाने में एक गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें राजेश, क्योंकि राजेश राणा का वहां पर फोटो पहचान पत्र भी वहां पर मिला है नरकंकाल के समय, तो यह माना जा रहा है कि कहीं जो गुमशुदगी की रिपोर्ट जिसकी हुई थी उसी का नरकंकाल को देखा जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है और शिनाख्त के लिए फॉरेंसिक लैब जो है नरकंकाल को भेजा गया है, लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से वहां पर नरकंकाल मिला है और पहचान पत्र जिसको आज वहां पर राजेश नाम के व्यक्ति का वह पहचान पत्र मिला है, तो जिसमें अभी हाल फिलहाल यह देखा जा रहा है कि वह नरकंकाल जो है राजेश का है देखा जा रहा है। उपेंद्र, वही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि टीरी के मलेथा गांव का ये जो युवक है उसका नरकंकाल है। और सवाल यहाँ पे ये उठता है कि करीबन 15 से 16 महीने बीत जाने के बाद, हालांकि कई लोग उस रास्ते से इस दौरान गुजरे होंगे, लेकिन नरकंकाल पर ही नजर पड़ी, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने दिनों से क्यों उसे नहीं देखा गया था। बिल्कुल रेनू, कई सारे सवाल जो हैं इसमें लाजमी है, क्योंकि जहाँ पर यह नरकंकाल मिला है यह सुद्धोवाला के आज से करीब 5 से 10 मीटर के अंदर जो है वो झाड़ियों में यह नरकंकाल मिला है। ऐसे में सवाल लाजमी है क्योंकि आखिर ये नरकंकाल जो नरकंकाल है या कब वहाँ पर फेंका गया, और जो जिस कार से जो पहचान पत्र वहाँ पर राजेश नाम के व्यक्ति का जो पहचान पत्र वहाँ पर डाला गया है, आखिर ये कैसे उसमें कैसे वहाँ पर जो है वो फेंका गया। पुलिस हालांकि भी जाँच में जुटी हुई है और उस पर जो फॉरेंसिक लैब में जो है कंकाल को भेजा गया है, इसके ऊपर अब देखना यह होगा कि आखिर ये नरकंकाल किसका है, या महिला का है या उसी व्यक्ति का है जिसका वहां पर पहचान पत्र है, या अभी जांच का विषय बना हुआ। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।